अच्छा आपको एक खासियत बताती हूँ यहाँ, ये हमारे घर का पहला फोन है। जैसे ये देखिए, ये हमारे विनोद जी का फोटो है और ये हमारे मम्मी पापा, ये मेरा काव्यांश छोटा सा, और ये दिखाती हूँ आपको एक जबरदस्त फोटो, ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सबको। हाँ, ये एक बावड़ा मेरे पीछे, ये इसकी सीमा मौसी ने इसके बर्थडे पे कभी गिफ्ट किया था, ये इसे फिर से दोबारा कहीं से मिल गए। और शायद अभी इसका शौक पता है खत्म नहीं हुआ, स्कूल बैग डेली टांग के लेके जाता है, फिर भी एक और बैग चाहिए इसे। टांग के सुबह से ये बैठा है, देखो खाम खा बैग टांग के घूम रहा है ये। आज है भाई मावस, आपको बताइए श्राद्ध का आखिरी दिन, तो इसीलिए अब हाथ धो के बढ़िया से किचन थोड़ा बढ़िया साफ करके और उसके बाद फिर बनाएंगे मावस के लिए खीर। खराब पड़े हूँ, चलता को ना डमी था इसने पकड़ा दिया, वो खुश हो रहा है। बुद्धू है ये, बुद्धू। चलिए भाई फिर अपना नहा धो के बनाएंगे खीर। हाँ जी, मैं नहा धो के हो गई रेडी, और साथ ही साथ ये मैंने रख दी है दोनों पतीलों में खीर, क्योंकि खीर आज मैं बना रही हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी सी बांटेंगे और थोड़ी घर वाले खाएंगे। तीनों गैसें मेरी हैं बिजी, दो पे रखी है खीर, एक पे रखे हैं आलू उबलने के लिए। नाश्ता दे चुकी हूँ काव्यांश को भी, उसके पापा को भी, और ये काव्या रानी आई, काव्या रानी आई। ये कहाँ चले ठुमक ठुमक, झूले पे, फिर मम्मा काम करेगी। ओए गीला गीला हो गया, इधर आ जाओ, चलो कुछ खा लो, अब आप आओ कुछ खाते हैं। वो गीला हो गया ना, ये नहीं मानेगी, मैं इसको बैठा देती हूँ झूले में थोड़ा सा साफ वाफ करके। बदमाश बच्ची मानी नहीं, ये बैठ गई झूले पे सुबह सुबह झूला झूलने के लिए। काव्या काकू गाइस, काव्या क्या बोलती है, झुलाओ 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 इस गंदी बच्ची को, झुलाओ झुलाओ। ये देखो इसके दांत, ये इन दांतों से कर जाती है मट्टी को कट्टी वट्टी। लो भाई हो गई है पूरी की तैयारी, बना लेते हैं। ये खीर पूरी तो गई है बन, अब नीचे दे आते हैं, मम्मी फिर अपने मावस निकाल देगी, बाकी का काम रह जाएगा घर वालों का खाना। भाई मैंने बांटने के लिए खीर बनाई है आज, हमारे पितरों की तरफ से, मतलब उनके लिए है, तो जो भी हमारे आसपास में जिन्हें लगेगा प्रसाद के तौर पे हम बांट देंगे। ये रही एक गंदी बच्ची, क्या भाई कर रहे हैं, क्या नहीं दे रहा भाई, क्या नहीं दे रहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, नहीं। अच्छा वो ब्लू वाला ये नहीं चाहिए, तो तू गुस्सा क्यों हो रही है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है मेरे पास, कहाँ है कहाँ है मेरे पास, दे अच्छा ये और हाँ तेरी मम्मी है या इन मामले में, ठीक है ना, बेवकूफ लगा रहा है तू उसमें, काव्यांश दे दे नहीं परेशान करते, ले देख ले, देखो देख लो भैया कितना परेशान करे अपनी छोटी सी बहन ने, ले 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 ले। गरम बहुत ज्यादा गरम, दो टोनिया ना ओए पियो खीर, खीर पी जा, किसा सुतरा लग गया खीर पीता। हाँ जी भाई नीचे खीर वीर बाटी आ गए हैं, ऐसे फटाफट बटी पता भी नहीं चला,
और आधे तो घर पे स्पेशल दोबारा भी लेने आए। हाँ, घर वालों के लिए थोड़ी बचा के रखी थी, उसमें से भी थोड़ी देनी पड़ी, पर भगवान की दया से अच्छी तरह सब कुछ बट गई। वो हमारे पितरों के नाम की आज हमने खीर बाटी थी कि चलो भाई बुल्ले बट के जो रह गए हों, क्योंकि आखिर गरीब बोदे ने खवाण तो अच्छा कुछ नहीं होता, तो खान पीन की चीज़ का दान हमेशा करना चाहिए, पैसे के दान तो ज़्यादा। तो बस आज ऐसे ही ख्याल आ गया, कुछ ऐसा सोचा नहीं था, मन करा कि एक्स्ट्रा खीर बना देते हैं और अपने भाई पितरों के नाम की बांट देते हैं, जो भाई वे भी खुश रहें और हमने भी अच्छा आशीर्वाद मिल गया। तो अब वो काम तो हो गया हमारा पूरा। एक बज चुके हैं, हमने तो खाना खा लिया था, इसके पापा ने भी, मैंने भी, मम्मी पापा ने अभी खाया नहीं है, तो मम्मी पापा के लिए अब खाना लेके जा रही हूँ मैं, वो भी खा लेंगे, फिर काम कहीं जाके ख़त्म होगा। काफ़ी अभी उनका खून पी के नीचे ही है। ठीक है, कैसा बना माँ खाना? सब्जी ज़्यादा है, खा लो थोड़ी थोड़ी करके। मैं जल्दी सोच बढ़िया बना देती हूँ, पापा को और खाना दिलाती हूँ। और मैं फटाफट उनको दे आती हूँ, आके फिर करेंगे कंटिन्यू। पापा को तो दिया ही हूँ मैं नीचे खाना, अब बस उनको एक्स्ट्रा पूरी की अगर ज़रूरत होगी तो इसलिए बना देती हूँ। ये भाई पापा के लिए कर दिए पूरी रेडी, दी आती हूँ एक बार नीचे। या तो कती गल जा गई, हाँ दे दे दादन दे दे। आ रही है, आए की गैल, आए गई की गैल, गई काव्या परेशान कर दिया है तूने। मैं नीचे इसके दादा दादी को खाना देने गई थी, ये मेरे साथ फिर वापस ऊपर चढ़ाई, ये देख लो बदमाश लड़की। इसलिए कहती हूँ कि दिन के पता नहीं कितने चक्कर काट लेती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये भाई काम होया खत्म, खाना पीना सबका हो गया है, बर्तन रह गए धोने के लिए, कर देते हो खट्टे। ये भाई किचन विचन हो गया साफ फिलहाल के लिए, ब्रेक। धूप आज तो बढ़िया वाली धूप निकल रही है, लोग बड़े दुखी हो रहे थे, राम जी खुलता नहीं, दुखी कर दिए, इतना बरसा है, आज देख लो बढ़िया वाला घाम कह लो, धूप कह लो तो बढ़िया वाली धूप निकल गई है और मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, बढ़िया काम हो गया। मार्केट, क्योंकि आज खुल गया है मौसम, तो मुझे करनी थी नवरात्रों की शॉपिंग, नवरात्रि पूजा की। हाँ, ये बंदर को फिर दिख गया केला और घर से खा के आई है केला, पापा मारेगा कहीं जाएगी तो। ये रोड पे हो रखी है काफ़ी खासी भीड़, यहाँ खड़े हैं। ये काव्य को दिख गया है केला, ये केला, यहाँ बैठ जा स्कूटी पे। ए बुद्धूमल, बुद्धूमल कहाँ गई तू, मार्केट आ गई? ये देख लो भाई, गई मैं घर, काव्य रह गई नीचे, ये ले आई मैं अपनी पूजा का सामान। चलिए भाई, मार्केट का काम तो हुआ ख़त्म, कुछ और काम देख लेते हैं। शाम के 4 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में आराम लेटी, हमारे यहाँ पे मनोरथ चल रहा है कीर्तन माता रानी का। चलो अभी कपड़े धो उतार लिए, उसके बाद देखते हैं अभी बाजार भी जाना है। शाम के बज चुके हैं 6:30, तकरीबन काम मेरा हो गया है पूरा। मार्केट से आते के साथ मैंने आटा
लगाया अपना, आटा वाटा कर लिया है, और आज मैंने बना के देखे थे गुलाब जामुन, काफ़ी हद तक अच्छे बने, इतने परफेक्ट नहीं थे पर फिर भी बहुत अच्छे बने थे। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, मैं क्या पता कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, पहले मैं बना के देखती हूँ। एक बार पहले बनाए थे, आज सेकंड टाइम मैंने दोबारा से ट्राई किए तो काफ़ी हद तक ठीक बने। 6:30 बजे देखो कैसा अंधेरा हो गया, ऐसी रात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो चुका हो। काव्या नीचे घूम रही है, उसकी दादी जा चुकी हैं क्योंकि उनके भतीजे के बेटा हुआ है, मैंने आपको बताया था। काव्या अपने दादू के पास, वो अपने दादू के साथ खेल रही है। ओए काव्या आई, काव्या आई, काव्या आई, काव्या आई, चीजी लाई, चीजी नहीं लाया, जाने क्या पांच टूटी, पांच वो फिर वो वापस चली गई लेने। हम देख के उसे खुश हो गए, तो वो वापस नीचे भाग गई। देख लो ये ड्रामे, देख लो इस लड़की की ड्रामे। दादी नहीं है, आते के साथ मट्टी, रुक जा भाई। राइस बनाए हमने, मैं नीचे ही लेके जा रही हूँ, वहीं पे सबको खिला देंगे। बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। और ये काव्या देखो मेरे साथ, ये काव्या रानी मम्मी के साथ। काव्या भाई को भी आवाज लगा ले। ये देखिए, जो आपने कभी शायद बहुत कम देखा होगा, ये मेरी नीचे की किचन है, यहाँ पे भी खाना बनता रहता है, ऊपर भी बनता रहता है, काम चलता रहता है। चलो काव्यांश को बुला लेते हैं, चल काव्यांश को बुलाते हैं, आवाज लगाओ भाई को, खाना खा ले, आ जा, आ जा, बन गया काव्या, अब अंदर आओ नंगे पैर। यहाँ काव्यांश खा रहा है खाना, आज नीचे ही खाना खा रहे हैं। खाना खाओ फिर चले, आलू खाओ ठीक है। बोल दो, फिर चीज दूंगी, फिर फैन चलवाऊंगी पक्का। पहले बोलो हाय गाइस, बोल दो हाय गाइस। इसको चलाना है फैन, ये इसीलिए मेरे को लगा रही है मशका, ये मेरे सारे काम बात मान रही है, क्योंकि इसको अपना कोई काम मेरे से बनवाना होता है। जब तो दिखाती हूँ एक और खास चीज, ये देखिए, ये है मेरी शादी की फोटो। ये है इसके बुआ और फूफा जी, ये है हमारे मलिक साहब, इतने क्यूट, और ये मलिक साहब की दूसरी कॉपी, ये रही मलिक साहब की कॉपी। अच्छा आपको एक खासियत बताती हूँ यहाँ पे ना, ये हमारे घर का पहला फोन है, आपको ये भी दिख जाएगा, ये हमारे घर का पहला मोबाइल फोन आया था जो मेरे पापा ने आज तक संभाल के रखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट फोन था। ये आपको बहुत चीजें हमारे पास ऐसी, मेरे पापा की ये वॉच, फर्स्ट वॉच थी जो इन्होंने बड़ी संभाल के रखी थी, काफी पुरानी है, जैसे ये पापा का जब वो मारुति में जॉब करते थे तब का फोटो है ये। उन्होंने इवन अपना जो नेम यहाँ पे लगाते हैं शर्ट पे, वो तक संभाल के रखा हुआ है वहाँ पे जो उनका लगता था। ऐसा ही होता है भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये काफ़ी कुछ इनके साथ ही कितनी सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। एक और खास चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए,
अभी काव्या का भी मुझे बनवाना है, ये आपको शायद ना पता चले ये कौन है, मैं बताती हूँ, ये सिर्फ लड़कियों का बनेगा, उनके लिए स्पेशल है। ये दादू है और ये बुआ है, फिर ये दादू है और ये मुक्कू है, मुक्कड़म आ रही। ये जब का फोटो है मक्कू के साथ पापा का, जब काव्यांश का कुआ पूजन था उस दिन का फोटो है ये। और ये देखो सेम पोज में हमने बनवाया था इनका, काफी अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही अभी मेरे को काव्या का भी बनवाना है उसके दादू के साथ, ये तीन हो जाएंगे फिर इकट्ठे सेम पोज में, काव्या का भी दादू के साथ। जैसे ये देखिए हमारे विनोद जी का फोटो है, जब शादी की बात हुई थी तब उन्होंने यही फोटो फर्स्ट टाइम भेजा था देखने के लिए। और ये हमारे मम्मी पापा, ये मेरा काव्या छोटा सा। और ये दिखाती हूँ आपको एक जबरदस्त फोटो, ये देखिए आप, ये आपको लग रहा होगा दोनों सिस्टर्स हैं पर ये सिस्टर नहीं है, ये मेरी दादी सास है और मेरी सासू माँ। इधर आप देखोगे तो फर्स्ट पे ये पहले मम्मी है और फिर ये दादी है मेरी, ये देख लो, सासू माँ मेरी और दादी सास दोनों साथ में। ऐसे ही काफी यादें हैं हमारे पास। ये देखो दादी के बिस्तर पे चढ़ गई है ये आतंक मचाने के लिए, आज दादी तो है नहीं तो ये सोच रही है तू अकेली मालकिन है। ये देखो क्या बदमाशी कर रही है ये, बदमाशों को छोड़ आई हूँ मैं नीचे, वो खेल रहे हैं, उसके दादू कहीं काम से गए हैं, वो थे नहीं, और चाचा है उसका, चाचा लेटा हुआ है, वो देख लेंगे। मैं आ गई हूँ वापस ऊपर, अब और कोई काम तो है नहीं, काम तकरीबन हो गया है, पर इन्होंने मेरे कमरे की तबाही मचाई हुई है। ये देखो कैसी चद्दर बद्दर बुरा हाल कर रखा है, तो फिलहाल तो ये ठीक कर लेती हूँ जल्दी से। हेलो जी, रात के बज चुके हैं 10, हो गया है सोने का टाइम। पर जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे दोनों बच्चे हैं नीचे अपने दादू के पास, तो वो अभी तक आए नहीं है। अब नीचे जाऊंगी, उनको लेके आऊंगी, फिर उनको सुलाऊंगी। बाकी अभी तो मलिक साहब भी नहीं आए हैं मेरे, आने वाले हैं वो भी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।